हेलो गाइस, आज हम अपने जायका होम किचन में आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आए हैं जो आपको इस रमजान में इफ्तारी में खा के बहुत ही मज़ा आएगा। गाइस, आपको सबसे पहले चिकन लेना है। इसे मैंने अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीस कर ली थी। अब इसको हम जार में डाल देंगे। इसे बनाने के लिए आप लोगों को बोनलेस पीस लेना है, बिना हड्डी वाला। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती, पुदीने की पत्ती और 5-6 हरी मिर्ची। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला 1/2 चम्मच, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला और 1/2 चम्मच इसमें मैगी मसाला। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और 1 नींबू का जूस डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 चम्मच बटर। अब इसे मिक्सी में हमें अच्छे से चिकना पीस लेना है। अब आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से चिकना पीस गया है। इस तरह का हमें पेस्ट बना के तैयार करना है। अब हमें आलू ले लेना है। आलू को उबालने के बाद अच्छे से मैश कर लेना है इस तरह। अब जो पेस्ट पीस के रखा था, अब हम इसको आलू में डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 5-6 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हमें हाथों की मदद से इस तरह से हमें मिलाना है कि ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब इसको साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ ब्रेड क्रम ले लिया है। अब ब्रेड क्रम में हम ये सफ़ेद तिल लिया थी, उसको अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे हाथों से और इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ 1 अंडा ले लिया है, उसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और चम्मच की मदद से इसे हम अच्छी तरह से फेंट कर फिर इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रख देना है ताकि ये टाइट हो जाए, उसके बाद इसे हमें बनाना है। अब थोड़ा पोषण लेके इसका हमें कबाब बना के तैयार करना है। अब कबाब को हम कटर से बीचों बीच कट करके इसको हम डोनट का शेप दे देंगे। अब आप देख सकते हो गाइस, ये डोनट परफेक्ट बन के तैयार है। ऐसे ही करके हम सारे डोनट बना के तैयार कर लेंगे। अब ये सभी डोनट बना के हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसको हम कोट करेंगे। सबसे पहले हम अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद फिर इसे हम ब्रेड क्रम में कोट करेंगे और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। पहले हम सभी डोनट को कोट करके रख लेते हैं, उसके बाद ही इसे हम फ्राई करेंगे। इस तरह हमें सभी डोनट को कोट करके रख लेना है। अब तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसकी आंच मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे हमें इस तरह से फ्राई करना है और गोल्डन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करेंगे। अलट पलट करके हम दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी बना के तैयार कर सकता है। आप लोग भी गाइस इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। अब डोनट का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इसी तरह हम सारे डोनटों को फ्राई कर लेंगे। उम्मीद है हमारी रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार डोनट बन के तैयार हैं। हम आपको आप एक तोड़ के भी दिखाते हैं, देखो कितने ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। फिर मिलते हैं गाइस इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय गाइस।